इस बार 80 का 80 टारगेट है और देश में इस बार 400 पार, उसी पे काम हो रहा है, उसी में 80 मैनपुरी भी शामिल है। मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई लिस्ट आउट हो रही, ना मीटिंग हो रही है, इसको लेकर लग रहा है कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए में शामिल होती है, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अभी ये तो मायावती जी बढ़िया बताएं, हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो क्या एनडीए को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या नुकसान हो सकता है? देखिए इस बार जो परिस्थितियां हो, हम लोग आधे से ज्यादा मत, 60% कुल मतों का 60% मत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के 10 साल के कार्यों और मोदी जी की देश में प्रभाव प्रताप और वैश्विक लीडर बनने की स्थिति में जो भारत की उपलब्धि 10 साल की है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की 7 साल कार क्षमता के आधार पर, कार शैली के आधार पर जो प्रदेश का वातावरण बदला, उसकी जो प्रगति है उसी का परिणाम होगा कि हम मोर देन 60% वोट अकेले हासिल करेंगे और 60% में जो दल इकट्ठे हो जाए, अलग अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। अकेले मोर देन 60% वोट हासिल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार, महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हो और मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। अब अगर महापुरुषों की मूर्तियां लगाना विफलता है तो स्वीकार है उन लोगों को। एक आरोप ये भी लगता है विपक्ष द्वारा कि दबाव में उनके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जबकि कभी अभी आप आरोप लगाते रहे हैं पार्टी उनपे, वो उनपे जांच की बात करते रहे, वही लोग आज पार्टी में शामिल। देखो सही बात तो ये है कि आज हम खिड़की खोले हैं, इतने घुसे पड़ जा रहे हैं, अगर गेट खोल दिया तो पार्टी साफ हो जाएगी पूरी, इतनी भगदड़ है। वो इसलिए है कि लोकतंत्र में जनभावना जन आस्था सर्वोपर होती है, पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, उसका परिणाम है यदि हमने फाटक खोल दिया तो अकेले अकेले नेता रह जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आपने देखा भी अभी राजस्थान क्या हुआ है, कयास लगा जा रहे हैं कि आपका नाम लोकसभा में मैनपुरी के लिए संभावित है, जो पार्टी लड़ा करेगी क्या डिम्पल उस समय हारेंगी? अरे हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन डिम्पल जी तो हारेंगी ही, कोई भी लड़ेगा, लेकिन पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो मजबूती से लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा।